ध्वजा दिवस पर जिंद उपायुक्त ने बोलते हुए कहा कि जिंद में जो भी कारगिल के शहीद हैं, उनके परिवारों को उचित मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिंद में एक कारगिल शहीद है जिसके परिवार को आज प्रशासन ने सम्मानित भी किया है और परिवार को हर संभव मदद की कोशिश की जाएगी। कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन शहीदों को जो उस समय भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए उनको नमन करता हूँ। उन शहीद की वीरांगनाओं को और उनके सभी परिवारों को अपनी तरफ से मैं सुनिश्चित और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी जो भी मदद है वो की गई है और आगे भी अगर उनके कोई और भी इश्यू हैं तो उनको भी हम सोल्व करने के लिए जिला प्रशासन हमेशा तैयार है। मैं जिले के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से और आमजन से भी ये आशा रखता हूँ कि वो हमारे जो शहीद हुए हैं उन सबके परिवारों का ध्यान रखेंगे, उनकी शहादत को याद रखेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे गौरवान्वित महसूस करेंगे कि जब भी हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता पर किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो हमने उसका माकूल जवाब दिया। सभी को मेरी तरफ से इस अवसर पर जितने भी शहीद हैं उनके परिवार हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके जीवन में जो उनके पल हैं वो उनको प्रशासन हमेशा ध्यान रखेगा और उनके कोई भी इश्यू होंगे तो उनको हम सोल्व। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन।